सुबह उठते ही नाश्ता करते ही यूट्यूब पे सबको ऑनलाइन आना है, सबको मीठी मीठी बातें करनी है, नई नई बातें बतानी है, अपनी प्रॉब्लम्स बनानी बतानी है। यूट्यूब पे बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है। डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मार्केट, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, आजकल सब डिजिटल ही है। जब से मोदी आए हैं जब से डिजिटल ही चल रहा है भैया, कुछ भी फिजिकल नहीं चलेगा, सब डिजिटल चलेगा। इसीलिए सब लोग ऑनलाइन आएंगे, सबका ऑफिस भी एक दिन यूट्यूब पे ऑनलाइन होने वाला है। मैं बता देता हूँ आपको, सब चीज़ों के सेशंस ऑनलाइन होंगे, सब सबके ट्यूटोरियल यहाँ ऑनलाइन पड़े होंगे, आपको देखना है और सिर्फ छापना है। पर भैया जो हम करना चाहते हैं उसके बतेरे ट्यूटोरियल मिले हैं, पर कुछ समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है पड़े पड़े घर में हमारे दिमाग पर चर्बी चढ़ गई है, ये तभी थोड़ा फूला सा भी हो गया है। ऑफिस जाते हैं तो टांगे की घिसती हैं, दिमाग भी घिसता है, तो चीज़ें दिमाग में बनी रहती हैं। ये 2 साल से घर पड़े पड़े जंग लग गई है, लग रहा है हम लोग शक के घेरे में आ गए हैं, हमारी कमजोरी पकड़ी जा रही है। इसलिए मोगेम्बो अब बच नहीं पाएगा, मोगेम्बो बच नहीं पाएगा, कब्जे में आएगा। तो दोस्तों मैं उदय सेट्टी, गुड मॉर्निंग भाइयों, आ जाओ मेरे ब्लॉग पे जल्दी से। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी बताने वाला हूँ। 4 साल हो गए भैया इस ऑफिस में मुझे, आज लगाई जा रही है हमारी क्लास। 2 दिन से हमारे से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तुम्हें क्यों कुछ नहीं आता है, तुम यहाँ पे फ्री की रोटी कैसे तोड़ रहे हो, सबको सब कुछ आना चाहिए, इसीलिए हमारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है और एग्ज़ाम में हम पास होते नहीं दिख रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है भैया। तो आप लोगों के ये क्या करते हैं? तो हम भैया बैंक में जॉब करते हैं, इंटरनेशनल बैंक में, कॉर्पोरेट कस्टमर्स से डीलिंग करते हैं, ऑटोमेटेड पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग, ये हमारा आप डोमेन कह सकते हैं जिस पे हम काम करते हैं। कोई नोट गिनने का काम नहीं है, सब कुछ डिजिटल डिजिटल एकदम। पर भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, XML पेमेंट फाइल की टेस्टिंग चल रही है, इतने टैक्स होते हैं, ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। पूरे दिन दिमाग मारा, नसें दुख गई हैं, ये देखो ये दुख गई हैं, आंखें भी चढ़ी चढ़ी हो रही हैं, जैसे 2 बैग मार लिए हूँ, पर आ कुछ नहीं रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये मेरा शंभू डॉन, मेरा बेटा, आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसकी, उल्टी पलटी कर रहा है। ये बेटा नहीं बेटी है, मैं इसे बेटा बेटी दोनों समझता हूँ, मेरा प्यारा बच्चा है। इतने में तो ये मोबाइल छीन के फेंक देता, और बेचारा कमज़ोर सा हो रहा है आज, बीमार सा हो रहा है, शांत बैठा है। 10 बजे से वापस से क्लास लगने वाली है, जूम कॉल होने वाली है, पूरा दिमाग में प्लान बनाना है क्या बहाना मारना है। 4 साल हो गए हैं, ये तो चलेगा सर, आता नहीं है, अभी समझ नहीं आया, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा, जान बचानी है। तो किया था मैंने 10 बजे तक ट्राई किया था रात में, पर क्या करूँ, समझ नहीं आया, नींद आ गई। मैंने थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा तो माइंड से ज़्यादा काम करने लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ भाई, कुछ समझ नहीं आया। कोरोना वापस आ गया है, सब ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए, एक दूसरे से चिपके नहीं। बहुत से लोग ऑफिस भाग भाग के जा रहे हैं, ज़्यादा भी ऑफिस से मुँह ना पालें, कभी भगवान आपसे मुँह कर ले, भगवान के भरोसे ना बैठें, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो दोस्तों 10 बज गए हैं, कॉल ज्वाइन करने का टाइम हो गया है, देखते हैं क्या होता है सेशन में, क्या ऑब्जर्वेशंस बताए जाते हैं, क्या हमारी कमियां ढूंढी जाती हैं, क्या हमारी फाइल में कमियां निकलती हैं, ये देखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ नई बातें बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।